बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी लाइफ फॉलोअर खैर क्रिएट चौंग मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे अब दो तीन दिन से बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा, मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं। उसका रीज़न ये कि जी व्लॉग बना बना कर अपना थक जाता है, जो एडिटिंग करो फिर ऐसे ऊपर से और मसले से मसला, कभी कुछ 100 क्लिप्स बनाओ जिनमें से कोई काम की 10-15 क्लिप्स जो मतलब साथ मिलजुल रही हों अच्छी हों उन्हें ऐड करो, फिर मुख्तलिफ किस्म की एडिटिंग करो, फिर इस तरह मतलब सारे जो मसले आते हैं यूट्यूबर को वीडियो बनाने में। तो फिर जी कहता था सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन जी सब्सक्राइबर पहले 30 थे, अब हो गए जी 24। सब्सक्राइबर भाई साहब बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं और वीडियोज़ इंप्रूव होती जा रही हैं, फिर से दिल भी नहीं किया, बंदा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। खैर जी हमें डिटरमिन रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। इंशाल्लाह जी बढ़ जाएंगे, हर बंदा जीरो से स्टार्ट करे, कोई किसी के भी जी पहले दिन मिलियन नहीं होते। खैर जी अभी सुबह सुबह मैं खड़ूँगा अपने बाइक के पास, ये जी अपना बाइक है जी, इस पर आई खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट, ये देखे हुए मिनट है नज़र आ रही है, ये देखिए मिट्टी मेरे हाथ पे लगी सारा, इसे इसे देखिए, ये देखिए सिलेंसर चेक करें, ये सारी मिट्टी आ गई है। हम लोग करते हैं जी अपने इस बाइक को साफ, क्योंकि जी दो तीन दिन से मैंने साफ़ नहीं किया, मैं थोड़ा अपने कामों में घर के कामों में बिजी था, तो भी जी पहले करते इसको साफ, हमारे जो भी काम होंगे इंशाल्लाह मिलकर हम लोग वो करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इसे साफ़ करने की कुछ प्लीज ऐड की थी, मैंने म्यूज़िक ऐड किया तो यूट्यूब की तरफ से मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जब कॉपीराइट क्लेम आया था यूट्यूब ने अपनी तरफ से म्यूज़िक ऐड कर दिया मेरी वीडियो में, जिसकी वजह से मेरी वीडियो ना स्टार्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई। चलो वीडियो एडिट की मैंने कहा दोबारा डिलीट करूँ, फिर अगेन वीडियो को एडिट करके फिर अपलोड करूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जा रहा है, उसे मैंने वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद जी उसके बाद 2000 का सामान और आया था, मेरे कदम में गिफ्ट किया था, मैंने वो भी ऐड किया था। पार्ट्स तो बहुत कम है लेकिन भाई साहब महंगे बहुत हैं, उनमें ये पार्ट्स हैं जी, ये वाली नो बैक, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रही होगी, ये देखें। उसके बाद जी एक ये पाइप है, और ये स्पाइक किधर गई ये देखिए, मिनट है, ये गोल्डन स्पाइक है टायर वॉल में, और उसकी हो ये देखिए हाथ हट गया। उसके बाद ये चारों नट बोल्ट की गोल्डन, फिर गोल्डन मैंने अंदर थोड़ी थीम ऐड किया, मैंने कहा वैसे करो कुछ गोल्डन वोल्डन होना चाहिए, ये देखते ये भी ये क्या है, ये पार्ट्स भाई सब जो है ना ये मेटल के पार्ट्स है, जिसकी वजह से मैंने थोड़े महंगे पड़ दिए। खैर कल ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं कौन से मिल गया। तो खैर जी चल, और एक और बात बड़ी बड़ी अपडेट है तो बताना बोल के, एक तो बात से बात तरी कराती है, ये देखिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो हो गिर रहा था पीछे मैं भी, ये मोन करेंगे ना ये ऑन नहीं होंगी, ये वाइट डी एल एल ऑन हो रहे हैं, लेकिन जब हम करेंगे जी ये यहाँ से इंडिकेटर ऑन, जिसके अब ये लाइट्स जा रही हैं दोनों, इंडिकेटर भी जा रहे हैं, डी एल एल हम यहाँ से कर देंगे बंद, ये ठीक चल रहे हैं, अगर हम यहाँ से इंडिकेटर करें बंद और हम करें डी एल एल ऑन, ये देखो वाइट जा रही है। भाई साहब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि पहले तो ये दोनों भी नहीं चल रहे थे, यानी बैक से भी चल रही है, ये देखिए वाल ये भी चल रही थी, परेशान मैं इस वजह से हो गया, मैंने कहा यार अगर ये ख़राब हो गए ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान जा रहा है, क्योंकि ये मेन इंडिकेटर ही नज़र आते हैं। लेकिन खैर जब ये दोनों आगे वाली वाइट लाइट्स चल रही हैं और ये भी चल रही हैं, इनके एक एक पॉइंट चल रहा है, दूसरा पॉइंट नहीं चल रहा, उसका जी एक ही रीज़न होना कि इनके ऐसे ना वायर क्रैक हो गई होनी है, तो आज तो 10-12 में आया कि इंसान बैठा नहीं होगा बंदा शॉप वाला, तो कल इंशाल्लाह जैसे शॉप खुलेंगी तो चल के मैं इनका काम करवा लूँगा। खैर जी बातें होगी बहुत, चल के से करता हूँ मैं साफ। बाइक जो वो टन चलाटक टन साफ हो गया है, और आगे मैंने जी एक जोकर सब भी आगे लगाया है, देखिए ये स्कल लगाया हुआ मैंने आगे, और माशाल्लाह जी बाइक अपना हो गया जी फुल, कहते हैं ना क्लीन हो गया, ये क्या लगा हुआ है, क्या लग गया ये रह गया लगता है कुछ, ही देखिए बाइक की माशाल्लाह कमाल साफ हो गया है। खैर जी ये हो गया साफ, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल रात को जाकर मेडिसिन तो मैं लिया था, इंजेक्शन मैं लगवा लिया था, लेकिन भाई सब तबीयत जो अभी तक ठीक नहीं हुई, इंजेक्शन मैं लगवाया था, यहाँ पे अभी तक निशान भी होंगे वाजों पे,
तबीयत ठीक ही था, क्योंकि उसके बाद जाके फिर मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी, और कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने की वजह से भाई साहब दोबारा जुकाम कम तो हो गया लेकिन खत्म बिल्कुल भी नहीं, जुकाम और खांसी। तो है जी, चलते हैं जी अपने काम, जो काम करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे भी बताओ क्या काम करने जा रहे हैं। खैर अब तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर। ये जी अपने बाइक को सुबह सुबह पहले किक लगाने का ना, ये देखिए अपना ही मज़ा, ये देखिए ओहो ये साउंड। खैर जी सब फिर हमने ना यहाँ पर खड़े होकर बाइक करना चलाना नहीं है, क्योंकि साथ मामू वगैरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ सर पड़े होते तो डिस्टर्ब करना उन्हें अच्छा नहीं होगा। तो हम बाहर चलते हैं, आपको जैसे बात करता हूँ मैं। मुझे गली देख कर इसमें राइट टर्न करते हैं तो दही वाली दुकान है, मैं गया तो वहाँ पर दही ले रहे, क्योंकि अपडेट चले के दही तो ख़त्म हो गई है, अभी किसी और शॉप चल के दही लेते हैं, दही लेनी ज़रूरी है। दही मिलना मुश्किल है क्योंकि दस मोहरा में हर जगह हर शॉप बंद है, तो मुश्किल तो होगा लेकिन ये ढूंढने का गुजार मिल जाते हैं तो फिर दही है। चलो हिम्मत करते हैं और देखते हैं कि कोई मिल जाए दही वाला। दूसरी शॉप पर गया, वहाँ से भी दही गोली मिली। जी इस रास्ते से होकर घर चलते हैं, अगर रास्ते में कोई शॉप मिली तो चलो वहाँ से हम लोग दही ले लेंगे। जी फाइनली मुझे अब जाना पड़ेगा स्टेशन चौक पर, क्योंकि ये वही से दही मिल रही है। मुझे एक दफ़ा वहाँ पर जो कि हम लोग देख लेते हैं। मेरे पीछे एक शॉप थी, वहाँ से पता किया जहाँ से मैं पैदा दही लेने आता हूँ, वहाँ से भी दही नहीं मिली। अब घर चलते हैं जी हम लोग। जी दही मिल गई हमें। खैर जी मैं तो नाकाम होकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ते मुझे एक शॉप मिल गई, मैंने अपना रूट चेंज किया घर जाने का, तो रास्ते मुझे शॉप जो मिली है ना उसी से मुझे दही मिल गई अलहमदिल्ला, दही ले लिया मैं। अब चलते हैं जब लोग घर। इस दही ने ना भाई ऐसा बात ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया हमारा, यार दही लटके खड़ी इसने भाई साहब आज बहुत दलील किया, याद रहेगा जी हमें भी। ये सामने पर टोपा रोड चल रहे जी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, अपने इस जहाज से प्रवास करते हुए। दही लेकर आ गए हम लोग घर, जाए फिर डॉगू चिल करते हुए, डॉगू ने चलो आ जाओ आज आ जाते हैं जी मैजिक करने का वक्त। तो अभी जी ये है खाली 1, 2, 1, 2 और 3 और ये गो। ये जी पानी, ओ मैजिक तो पानी है, देखते हैं जी पानी अंदर सच में, ओहो मैजिक हो गया जी ये तो। बाद जी हमने रोज़ यही वाला मैजिक किया मैजिक तो आप लोग करेगा, मैं तो रुल कर रह गया हूँ बेचारा। खैर जी ये रहा भी हो गया ख़त्म, अब आ भी लगता है जी मुझे यहाँ फिल्टर से पानी पड़ना। खैर जी अब चलते हैं जी अंदर और चढ़ के सोता जी चिल करता हूँ मैं अपना। जी अभी अचानक ही आपके भाई का जी घर बैठे बैठे गाँव आने का प्लान बन गया, तो आपका भाई जी गाँव बस पहुँचने वाला, घर के बिल्कुल मैं करीब ही पहुँच रही हूँ। रास्ते के मैंने ब्लॉग ही बनाया, मैंने कहा क्या बंदा रास्ते में रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाते रहे, तो मैंने कहा बंदा बोल जाते थे मैं रास्ते में ब्लॉग बनाया। खैर मैं पहुँचने वाला हूँ, तो आप लोगों को अंदर गाँव चल के मिलता हूँ। ये देखिए जी नीचे है होंडा और आगे जी रोड खुला और आगे ये आपका भाई जी जा रहा है। घर में ऐसा बहुत अच्छा मैं गाँव चलते हैं, तो जी बस आपका भाई ये इधर रास्ते में गाँव की तरफ निकल आया। आज आप लोगों को शायद गांव वाला घर भी दिखाऊँ, उसके आगे चल के आप लोगों को गांव मिलता हूँ। ये जी गांव का ये वक्त बहुत कमाल किस्म का लगता है, देखिए तो ये खेत कमाल यार, गांव की लाइफ का अपना मज़ा होता है। मेरा तो अभी दिल करता है कि यहाँ पर रहकर रह जाओ, लेकिन वैसे हम अपने शहर में खैर हमारा जो जाएंगे वो भी आज कोई दूर को बस 10 किलोमीटर का पास, जब दिल करता है जी उठाते हैं अपना बाइक कर आ जाते हैं इधर हम लोग गाँव अपने। गाँव के जिंदगी के अपने मज़े हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं गाँव के, गाँव की आवाज़ ताज़ा होती है ना, बहुत मज़ा आता है। पैसा गाँव में तो बहुत दिन लगते हैं मेरे यकीन जाने, हर वक्त मैसेज इधर ही आया हुआ होता हूँ। ये खेतों की तरफ मैं पहुँच देखा, पहले यहाँ पर जी फसल थी लेकिन अब कटाई हो गई, यहाँ पर जी दोबारा धान की फसल लग गई है। और देखिए जी गाँव इधर इतना हुरैन, इधर मुँह करना हुरैन इधर इधर। ये जी मेरी खाला की बेटी जी शादी कर ली जी, मैं इधर आता हूँ यहाँ पे। चलो जी ये मेरी खाला की छोटी बेटी, इसके आदि मुझे बड़ी मोहब्बत है, शादी है मेरी, इसी के लिए जी मैं वहाँ 10 किलोमीटर दूर इसके साथ खेलने के लिए बस आता हूँ, है ना हुरैन, ऐसी बात है ना। आज मुझे हुरैन ने कॉल की जैसे मैं इस वजह से आया ना मैं यहाँ। ये जी अपनी शहजादी है मेरी, यहाँ पर खड़े हुए तो चलते हैं जी थोड़ा आगे। हुरैन चाबी ऑन कर, हुरैन ने करनी को नहीं, हम आगे चलते हैं। वैसे गांव में ना बाइक चलाने का भी अपने मज़ा है, खाली मिट्टी वाला रोड होता है, अलग ही मज़ा होता है जी बाइक चलाने का यहाँ पे। जगह और आपका भाई बाइक की तस्वीरें बनाई हो नहीं सकता यार, ये भी लाइटें बड़ी लटकती हैं इसकी, इसको जो लगाते हैं यहाँ पर कि चिपक जाए चिपक गई। तो जी यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा दिए बाइक का थोड़ा शूट वगैरह कर लें। देखिए जी आगे मैंने ये घोड़ा एक स्पाइक लगा दी, एक वहाँ पे है, उसके बाद जी एक ये लग गई नीचे वाली, और ये उसके बाद जी ये DRL अभी तो फिलहाल जी देखिए DRL चल रहे हैं, तो जी माशाल्लाह लेवल हो गया जी। और फिर मैंने यहाँ पर भी ये पहले यहाँ पे ब्लू थे, लेकिन मैंने गोल्डन डटबोर्ड लगा दिए हैं,
अब जी जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी इसके जो हम लोग काम करवाते जाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह। इसका जो नेक्स्ट मेरा काम है जी वो इंशाल्लाह इसका जो सिलेंसर है इस पर रैप करवाना है ताकि बाइक के साथ जी मैच हो जाए, क्योंकि क्रोम कलर है बाकी रेड और ब्लैक थीम में है, तो इसको वो इंशाल्लाह रेड और ब्लैक करने को ऐसा पेपर लगाएंगे जो बाइक से फुल मैच हो जाए इंशाल्लाह। जब मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर जी कमान की फसल थी अब देखिए, लेकिन यहाँ पर होगी है जी इधर होगी कॉटन की फसल, कॉटन के पास की फसल हो गई है और इधर जी इधर ये पता नहीं मेरे ख्याल से कोई बाजरा है ना, हुरन बाजरा है ना, ये जी बाजरे की फसल है यहाँ पर जी। बस यही गाँव के बच्चे देखने आता हूँ। अब जी शाम का वक्त होने वाला है, टाइम का शाम होने वाला है, शाम का टाइम नहीं होने वाला। तो जी सामने वो देखें इस तरफ जी चांद नहीं बल्कि ये सूरज है, चांद तो अभी अब आ रहा है। मेरे ना आजकल दिमाग बिल्कुल ही हिल गया है। असल में पहले मंगाता था छुट्टियों के, छुट्टियों होंगी तो हम घर पर रहेंगे तो व्लॉग डाल देंगे, और जब छुट्टियों होंगे तो जी फुल वेले रहता हूँ मैं घर पर जाता सोया। पहले एक दिन में दो व्लॉग बना रहा था लेकिन अब दो दिन मेरा जाकर एक व्लॉग मुश्किल से कम्प्लीट होता है। जब व्लॉग कम्प्लीट ना हो फिर मैं जी गाँव आ जाता हूँ व्लॉग कम्प्लीट करने के लिए। हम लोग 15 अगस्त से मैं जाना कॉलेज, 4-5 दिन रहेंगे व्लॉग। क्या हुआ था अच्छा हुरैन जब अपनी स्टोरियाँ सुना रही है गम वाली बातें हुरैन का जी भाई को तो इस वजह से जी हुरैन मुझे अपना बड़ा भाई बना क्योंकि मैं इसकी कज़न भी और इसका भाई भी हूँ। ये भी जो मतलब जब गांव आया हुआ था तो यहाँ से जी एक नया रास्ता जा रहा है गलियों से होके इस तरफ से जी एक और नया रोड बना, नया नया रोड बना तो मैंने पहले कभी देखा, तो आज उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ जी हुरैन है और बेटी मेरे साथ मेरी छोटी कज़न बैठी हुई है। तो जी ये वाला जो रास्ता ना अंदर से होके जा रहा है गांव के अंदर से होके ये मुझे रास्ता जा रहा है, तो जब से यहाँ पर नया रोड बना मुझे मेरे कज़न ने बताया कि इस तरफ ना नया रोड बना बड़ा मज़ेदार है, तो मैंने कहा जी भाई साहब नया रोड बना वहाँ जाकर हमने अपनी बाइक चलाई ऐसा हो नहीं सकता। तो जी ये बीच में थोड़ा सा रास्ता है आधा कच्चा आधा रास्ता पक्का है, नीचे पक्का रास्ता पर इन्होंने मिट्टी फेंकी हुई है, कल के देखते हैं जी कैसा रास्ता है। ये जी ये देखें बड़ा जी प्यार रोड है लेकिन ये रोड बना नहीं है, वो जो रोड बना वो आगे है। तो जी ये रास्ता तो जी मेरे गांव वाली जगह से हुरैन चुप तो कर जाओ यार व्लॉग तो बनाने दो। तो जी ये माशाल्लाह जगह मेरे गांव वाली साइड से ज़्यादा प्यारी है, तो ये भी गांव के अंदर ही थी लेकिन इस रास्ते में बहुत कभी आया नहीं बल्कि पहले की बात नहीं है, हम आए भी कभी नहीं, आ जा रहा हूँ जिस रास्ते पर देखिए ये मुर्गियों का फार्म बना हुआ लेकिन जब ख़त्म हुआ पड़ा है। ये देखें माशाल्लाह जी बड़े कमाल किस्म का रास्ता है। रोड पर जी हमने जाना है वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा दूर है, तो लेकिन जी पर सुना है कि बहुत कमाल की जगह बनी हुई क्योंकि साइड पर सारे पौधे वगैरह हैं, तो बाद में जी रोड बना हुआ फिर ये भी पहुँचे खड़े हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता जी आजकल जी कपास की फसल का मौसम है, तो ये देखिए हर जगह जी कपास ही कपास लगी हुई है, कपास हो जाएगी फिर बड़े फसल उग जाएगी यहाँ पर जी। लाइफ जी मुझे इस वजह ज़्यादा अच्छी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सुकून है। ये जी जैसे पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए जी जरा बच्चे खेल रहे हैं बैठे वो देखें बड़ा पहले कभी जी हम भी खेला करते थे पर हम यहाँ रहते हुए बैठ रहते हैं, लेकिन अब तो हम यहाँ पर चले गए शहर, हम यहाँ से 14-15 साल पहले चले गए। मेरी एज जो इस टाइम 16 है, जब मैं था जी 2 साल का तब हम लोग यहाँ से शहर शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ छोटे थे बहुत रहना भी आता था लेकिन जब स्टडी प्रॉपर शुरू हो गई फिर ये बहुत कम ही आता था और अब तो बहुत ही कम आना शुरू हो गया मुझे यहाँ पे। आगे करते हैं जी अपने सफ़र का हम कंटिन्यू आगे। जी फाइनली जी इस रोड पर जी हम पहुँच गए, अच्छा हुरैन व्लॉग बनाने दो मुझे, शादी व्लॉग बनाने दे। तो जी फाइनली इस रोड पर जी पहुँच गए माशाल्लाह जी, लगता तो नहीं है ऐसे रोड नया बना दी, देखे रोड तो बनाना शायद मैं नया नया आया हूँ जगह पे आज काफ़ी पर से बाद जी आया हूँ जब से ये रोड बना है। कमाल हाँ जी थोड़ी देर पहले इधर आया एक सेकेंड ही नहीं आओ यहाँ पे आया हो, तो पिछले मम्मा के आगे गाँव के बेटे जो जी घर आज शाम हो रही है, तो जी खैर सामने शाम हो रही है कमाल किस्म का, यहाँ से जब एक पिक्चर भी ले लेंगे फिर खैर है घर जाकर शायद बना लेंगे हम लोग कमाल की। तो जी मेरा पहला व्लॉग है जिसमें पहले शुरू में कुछ और था कि कुछ और, इस वजह से कहते हैं जो मेरे व्लॉग होते हैं ना अनएक्सपेक्टेड होते हैं। खैर जी घर की तरफ जी दोबारा हम लोग रवाना हो रहे हैं वापस। एक तो जब भी मैं किसी काम जगह पर जाकर व्लॉग शूट करने लगता हूँ ना मेरे घर से उस टाइम कॉल रहती है, और आगे से जी माशाल्लाह ये रोड देखें, आप लोगों को कैमरा पर इतना फील नहीं हो रहा होगा लेकिन भाई सब बहुत मिट्टी है, बोलो डांस ना करो मैं व्लॉग ना रहा हूँ दोनों अपने लगी हुई है मस्त व्लॉग की तरह। तो खैर जी ये देखिए मिट्टी तो काफ़ी है इस रोड पर, आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा ज़्यादातर क्योंकि जी ये कौन सा कोई आईफोन है ये शायद आईफोन ले लेंगे, पर हाँ मेन बात आप लोगों को दिखाएगा जी काम बहुत ही ज़्यादा है, मेडिसिन मैंने ली थी इंजेक्शन में लगवाया था पर आराम नहीं आया क्योंकि जी मैंने फिर ऊपर से कोटिंग की लेता हूँ यही वजह जी। खैर जी अब आप लोगों को घर जाकर मिलता हूँ मैं अपने गाँव वाले घर, दूसरे घर अभी नहीं जा रहा मैं, शाम को गाँव में रात शाम का
लोग अपना चारा लेके जा रही देखे जी, ये मेरे सामने जो बुजुर्ग जा रहे हैं साइकिल पे, चारा काट रहे हैं, चारा काट कर भी ले जाएंगे अपने मवेशियों को डालेंगे। ये जी गांव के लाइफ के मज़े हैं। गांव में जी गांव के जो लोग होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं, किसी को तंग वगैरह नहीं करते, लेकिन जी शहरों के बाहर कहें हर इंसान जो मजदूर होता है, बाहर बंदे कभी खा अपने अपने काम में जितना मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। खैर जी गांव की लाइफ के बगैर शहर दूर है और शहर के बगैर जी गांव दूर है, दोनों जी एक दूसरे के साथ ही पार्टनर है जी, बस यही कह सकते हैं हम। खैर जी अभी टाइम तो हो गया जी मगरिब तक, तो रात हो गई, मुझे जल्दी यहाँ से सफ़र जाके काफ़ी ज़्यादा सारा पड़ा है, तो शहर ही घर चलते हैं हम लोग। वाली जगह जिस रोड पर हम गए थे गली भाई तरफ, ये जी इस तरफ जी हमारा घर पहुँच गया हम लोग।